नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदर लोकसभा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ला के जीत की भरी हुंकार। कहा, गोरखपुर के एम्स निर्माण में सपा और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी बाधक, बनने का किया था कार्य। श्री श्री रविशंकर पहुंचे गोरखपुर, आध्यात्मिक संध्या का हुआ आयोजन, जगाया आपसी सौहार्द का अलख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये चुनौती नहीं चुनाव है, उपचुनाव की दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगी भाजपा। चेतना तिराहे पर सेल्फी पॉइंट बनाकर मतदाताओं को किया जागरूक। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में पीठासीन और प्रथम मतदान अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। सीआईडी पीजी में मानवाधिकार पाठ्यक्रम के तत्वावधान में युवा संसद कार्यक्रम का हुआ आयोजन, देश के गंभीर मुद्दे पर हुई चर्चा। गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यशाला में किसानों को वर्मी कंपोस्ट और जैविक कीटनाशकों के उत्पादन और प्रयोग के बारे में दिए गए टिप्स। होली के पूर्व गोरखपुर विश्वविद्यालय कर्मचारी अबीर गुलाल से हुए सराबोर, मनाई रंगारंग होली। जिला पंचायत सभागार में 28 फरवरी और 5 व 9 मार्च को होगा प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय रजिस्टर की जांच। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर आज गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत गोरक्ष पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ ने किया। लोगों पर चढ़ा होली का रंग, एक दूसरे को रंग अबीर लगा कर दी बधाइयां। और मंडल स्तरीय ट्रायल के अंतिम दिन 75 खिलाड़ियों ने दिखाया अपना दम। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन मंगलवार को खोराभर स्थित एक मैरिज हॉल में किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के महामंत्री शिव प्रकाश, वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, चुनाव प्रभारी अनूप गुप्ता, प्रदेश मंत्री कमलेश्वर सिंह, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, सांसद बांसगांव कमलेश पासवान, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, विधायक चौरी चौरा संगीता यादव, महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व विधायक बेचन राम, पीके मल, जीत बहादुर पासवान, रामबुहाल कुशवाहा सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन में मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट करके किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने केंद्र में मोदी और राज्य में योगी के कामों की प्रशंसा करते हुए सदर लोकसभा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल के भारी जीत की हुंकार भरी। इस मौके पर मुख्य अतिथि और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चौतरफा विकास कर रहा है, वहीं पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश के तस्वीर को ध्वस्त कर रखा था, लेकिन उनके अल्प समय के कार्यकाल में काफ़ी बदलाव आया है। प्रदेश में बढ़िया सड़कें, बिजली और पानी लोगों को भरपूर मात्रा में मिल रही है। गोरखपुर में एम्स निर्माण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ एम्स निर्माण में सपा और कांग्रेस सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी, लेकिन उनकी साजिश कामयाब नहीं हुई। गोरखपुर में जल्द से जल्द एम्स भव्य रूप लेने वाला है। योगी ने कार्यकर्ताओं से अपील किया कि वो अपने सेक्टरों में प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल के समर्थन में जमकर कार्य करें। कार्यकर्ता सम्मेलन मंच से सपा सहित कई अन्य पार्टियों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से आशीर्वाद भी प्राप्त किया।
का भी हृदय से स्वागत अभिनंदन श्री सच्चिदानंद त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद राज्य को एकल पुष्प देकर स्वागत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आदरणीय शिव प्रताप शुक्ल जी सदर लोकसभा जिसकी लगातार पूज्य महाराज जी शोभा बढ़ाते थे आप लोगों ने सहयोग किया और पूज्य महाराज जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने। उस स्थिति में पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आपके बीच के जुझारू संघर्षशील कार्यकर्ता जिसको हर जो हर कार्यकर्ता को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और हर स्तर से उनके लिए सड़कों पर उतरने वाले कार्यकर्ता को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। साथियों हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। बस्तर से आए हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों मीडिया से जुड़े हुए मित्रों यह पहला अवसर मीडिया को भी लग रहा होगा कि भूस्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में कोई मुख्यमंत्री भी आता है। हमारे प्रधानमंत्री भी अपने विधान अपने पार्लियामेंट में वाराणसी में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में गए संबोधन किया उनके साथ जलपान किया उनके साथ भोजन किया। इस नाते कि नेता नहीं कार्यकर्ता प्रिय इन सभी लोगों को होता है इस नाते आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी यहां उपस्थित थे। विपिन सिंह जब बोल रहे थे जो आंकड़ा दे रहे थे शायद आप लोगों ने भी गंभीरता के साथ उसको सुना होगा कि इतने कम समय में जो गोरखपुर के लिए सब लोग मांगा करते थे बिना मांगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो अभी कुछ दिन पहले यहां सांसद थे गोरखपुर के प्रत्येक विकास कार्य के लिए दिए। विकास कार्य वैसे तो उनकी प्राथमिकता रही है सांसद रहते हुए भी संघर्ष के प्रतीक रहे हैं अनेक बार मेडिकल कॉलेज से लेकर के कमिश्नर के कार्यालय तक आवास तक भी विभिन्न समस्याओं को लेकर के पैदल यात्रा भी उन्होंने किया है लेकिन आज देश में प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ये दोनों देश और प्रदेश को संवारने के लिए कटिबद्ध होकर के जुटे हुए हैं। विकास इनका नारा है प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया सबका साथ सबका विकास। हम किसी के लिए भी चूकेंगे नहीं जो भी रहेगा हमारे साथ रहेगा और करेंगे विकास तो सबका करेंगे। उन्होंने शुरू किया गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग अगर प्रधानमंत्री ने उस समय जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था नारा दिया था कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे तो अकेले मुद्रा योजना के अंतर्गत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस देश के 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया। 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया कभी कोई सोचता भी नहीं था। वह लोग रास्ते चलते जाते थे गांव में रहने वाले हैं गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले हैं वो जानते ही नहीं थे कि बैंक होता भी क्या है। बैंक का भवन देख लेते थे समझ नहीं पाते थे ये क्या है लेकिन जब तय किया तो देश के प्रधानमंत्री ने तय किया कि खाते खोलने हैं उन लोगों
के खाते खोलने हैं, जो बैंक का चेहरा नहीं देखे हैं, भवन नहीं देखे हैं, बैंकों को भी आश्चर्य हुआ था कि इस देश में यह भी संभव है क्या कि बिना एक भी नया पैसा जमा किए भाई, अरे भाई, बैंक का खाता खुल जाता हो, जमानदार की भी आवश्यकता ना होती हो, पैसा भी ना जमा होता हो। और जब तय किया प्रधानमंत्री ने तो इस देश में अब तक कुल मिलाकर के 33 करोड़ लोगों का खाता खुल चुका है, जनधन खाता 33 करोड़ लोगों का खुल चुका है। और उस जनधन खाते में आज तक की स्थिति में 74,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। 74,000 जो एक नया पैसा जमा किए बिना खाता खुला, आज उसमें 74,000 करोड़ रुपए है। जब खुला तो विपक्ष के लोग कह रहे थे कि एनडीए की सरकार कोई नाटक कर रही है, लेकिन एनडीए की सरकार नाटक नहीं कर रही है। एनडीए की सरकार तो उन लोगों के दरवाजे तक जा रही थी जिनको कभी नहीं देखा गया, ऐसे पिछड़े वर्ग को, ऐसे अनुसूचित वर्ग को जिनको कभी वोट का ही पैमाना माना जाता था। प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप योजना अपनी दिया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिलाएं, इन तीन वर्ग के लिए वह योजना दिया कि 1 करोड़ रुपया तक भी लोन हम बैंकों से दिलाएंगे अगर वह कोई अच्छा रोजगार करना चाहेंगे। और अनेक लोगों को 1 करोड़ रुपए तक लोन रोजगार का के लिए उन्होंने दिलाया, वोट के लिए नहीं, उनकी बहबूदी के लिए, उनकी समृद्धि के लिए। और ये कहा हम रोजगार दे रहे हैं, आप अपने स्तर से लोगों को नौकरी देने का काम करो, यह प्रधानमंत्री की सोच है। और आज उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले जब महाराष्ट्र में वह उद्योगपतियों को संबोधित करके आए थे, चौधरी योगी आदित्यनाथ जी के निमंत्रण पर वह यहां पर उस समिट में जिसमें उद्योगपति आने वाले थे आए और आकर के उनको भी संबोधित किए और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तुलना कर दिए। और आपको मालूम होना चाहिए मुख्यमंत्री जी ने उस दिन कहा था कि 4,28,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश का बजट है, और मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में 4,28,000 करोड़ रुपए का ही MOU साइन करके दिया था। यह उत्तर प्रदेश की बहबूदी बताती है कि अब उत्तर प्रदेश में उद्योगपति कैसे आना चाहता है। इस नाते मित्रों, आज जो ये चुनाव आपके साथ आया है, आदित्यनाथ जी महाराज अगर सांसद होते तो चुनाव नहीं होता, लेकिन दल ने गोरखपुर को सम्मान दिया। आदित्यनाथ जी के सम्मान के साथ साथ उन्होंने कहा हम गोरखपुर को भी सम्मान देना चाहते हैं। उन्होंने गोरखपुर के सांसद को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके भेज दिया। और आज परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के उस सांसद पद को भरने के लिए आज दल ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने जो नाम तलाशा है वह एक ऐसा नाम तलाशा है जो संघर्ष का प्रतीक रहा है, जिस कार्यकर्ता के नाम से जाना जाता रहा है, कार्यकर्ताओं के लिए जिस लाठी सही है, कार्यकर्ताओं के साथ एक एक कदम चला है, ऐसा उपेंद्र दत्त शुक्ल आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के इस लोकसभा का प्रत्याशी है। तो उनके लिए हम मत की अपील करने आए हैं, उनके संघर्ष का घुनाने नहीं है, लेकिन उन सबके संघर्ष को याद करके इसमें बैठा हुआ प्रत्येक कार्यकर्ता अपने को उपेंद्र दत्त शुक्ल मान करके प्रत्येक घरों तक जाएगा, घर तक जाकर के लोगों से मिलेगा, वोट मांगेगा। और 11 तारीख के दिन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल का बटन दबा करके अपेक्षा यही होगी माननीय योगी आदित्यनाथ जी जितने वोट से जीते हैं उससे अधिक वोट जीता करके आदित्यनाथ जी के सम्मान को और अधिक बढ़ाने का काम करेगा। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को पूरी कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से सादर निवेदन करता हूँ कि हम सभी को आशीर्वचन दें पूज्य महाराज जी।
गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के आज के सम्मेलन में उपस्थित राष्ट्रीय स्व संगठन महामंत्री माननीय शिव प्रकाश जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदेश मंत्री और चुनाव प्रभारी श्री अनूप गुप्त जी, प्रदेश मंत्री कामेश्वर सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री राहुल श्रीवास्तव जी, माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी, विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, विधायक बांसगांव श्री बिमलेश पासवान जी, विधायक चोरी चोरा श्रीमती संगीता यादव जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, पूर्व विधायक रेखचंद राम जी, संयोजक श्री निरंकार त्रिपाठी जी, राजेश गुप्ता जी, पीके मल जी, जीत बहादुर पासवान जी, भागीरथी निषाद जी, राम गोपाल कुशवाहा जी, प्रधान संघ के प्रदेश महामंत्री कृष्ण चंद वर्मा जी, अध्यक्ष प्रहलाद सिंह जी, हौसला सिंह जी, जितेंद्र सैनी जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बूथ स्तरीय कार्यकर्ता बंधुओं, लोकसभा गोरखपुर का उपचुनाव, गोरखपुर के विकास और प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकारों के द्वारा गरीब कल्याण और लोक कल्याण के लिए किए गए कार्यों के दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है बूथ प्रबंधन की, और वह जिम्मेदारी तब जब चुनाव के ठीक पहले किसी समर्पित कार्यकर्ता को टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतारा जाए तो यह आवश्यक हो जाता है कि बूथ प्रबंधन की दृष्टि से हर एक कार्यकर्ता स्वयं में प्रत्याशी का प्रतिनिधि बनकर के उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। 14 दिन के चुनाव में ये उम्मीद करना कि प्रत्याशी घर घर जा पाएगा, गांव गांव जा पाएगा, ये कठिन है। इसके लिए उन्हें फिर जो मौका मिलेगा चुनाव के बाद, उस चुनाव के बाद के उस समय का सदुपयोग जनसंपर्क के साथ साथ प्रत्येक मतदाता के प्रति आभार व्यक्त करने का होगा। लेकिन चुनाव के दौरान हरेक कार्यकर्ता को स्वयं में प्रत्याशी बनना पड़ेगा, और इसीलिए हम लोगों ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, 3 बार क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, जिला अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने कार्य किया, जिला महामंत्री के रूप में जिन्होंने कार्य किया, और मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं होगा जिनका व्यक्तिगत संबंध शिवेंद्र दत्त शुक्ल जी के साथ में रहा हो, इसलिए हम लोगों ने शिवेंद्र दत्त शुक्ल को अपना प्रत्याशी बना करके इस मैदान में उतारा है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं, विकास की बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई हैं, विकास होगा भी, विकास के मुद्दे पर कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। विकास आपका एक मोराबार ब्लॉक है,
जिस घोरावार ब्लॉक में तरकुनानी में रेगुलेटर की मांग आज से नहीं 1954 से हो रही थी, लेकिन उस कार्य को तब हम लोगों ने मूर्त रूप दिया जब विपिन सिंह विधायक हो पाए और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व मुझे मिला। नहीं पर लग जा रहा है। तमाम पुल और पुलियों की बात होती थी, हम लोगों ने शिलान्यास करके कार्य भी प्रारंभ करा दिया। महवा से मनोली तक तटबंध के 17 किलोमीटर मार्ग के चौड़ीकरण की मांग, जो घोड़ावार ब्लॉक की नदी से बाढ़ में सुरक्षा के साथ साथ महानगर की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, उस कार्य को भी हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है। वह मार्ग भी स्वीकृत होकर के शिलान्यास हो चुका है। 7 मीटर चौड़ा मार्ग बनेगा, अब 3 मीटर नहीं रहेगा, 7 मीटर चौड़ा। अन्य जितने भी ऐसे मार्ग थे जिन पर सड़कों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा होना था, उन सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करते हुए आगे बढ़ाया गया। तो साथ ही साथ पिपरौली ब्लॉक का भी एक बड़ा भूभाग इसमें पड़ता है, बागागाड़ा से लेकर वाराणसी तक 4 लेन में आ रहा था, लेकिन बागागाड़ा से नौसड़ तक का मार्ग छूट गया था, हम लोगों ने उसको भी 4 लेन में लेकर के उसकी धनराशि दे दी, उस पर भी कार्य प्रारंभ हो गया है। यानी गोरखपुर में अगर आप हैं, गोरखपुर महानगर को हर ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी देना, लखनऊ से, वाराणसी से, महाराजगंज से, देवरिया से, कुशीनगर से, नेपाल से, चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ साथ एलईडी स्ट्रीट लाइट के साथ जोड़ने की कार्य, ये विकास है महानगर के अंदर। इस बार हम लोग बड़े पेशोपेश में थे, बरसात के समय जब हावड बंदा 2-3 जगह में भयंकर रिसाव करने लग गया, मैं लखनऊ में था, प्रातः 5 बजे मुझे जानकारी मिली रिसाव हो रहा है, मैंने प्रातः 5 बजे से पूरे अधिकारियों को भेजा, मैंने कहा किसी भी स्थिति में महानगर के अंदर पानी नहीं घुसना चाहिए, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हावड तटबंध को भी 2 लेन का चौड़ा करने के लिए हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध करा दी है, जिससे हम बॉर्डर से पिचिंग करके उसमें एक टैंडिंग वाल भी दे सके, जिससे अच्छा आवागमन का मार्ग भी बन जाए और महानगर वासियों को सुरक्षा भी प्रदान हो जाए। ये विकास का कार्य इसलिए, जिससे हर व्यक्ति इस विकास में भागीदार बन सके, हर चेहरे पर खुशहाली आ सके। अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए हम लोगों ने यही गोरखपुर में IAS और PCS की परीक्षाओं के लिए उनको कोचिंग की निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था जहां कराने जा रहे हैं, वहीं साथ ही साथ गरीब कन्याओं की शादी कोई सरकार निर्णय नहीं लेती थी, पैसा तब मिलता था जब शादी संपन्न होती थी, वो भी 20,000 की राशि, हम लोगों ने कहा 20,000 कुछ नहीं हो सकता, 35,000 सामूहिक शादी का अभियान पूरे प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है और गोरखपुर के अंदर भी दोनों ओर से श्रम विभाग की ओर से और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत भी इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, इससे हर गरीब शासन की योजना का लाभ पा सके, बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ पा सके, और विकास की योजनाओं में भागीदार बनाने के लिए संभव इसलिए हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, प्रदेश में है। विकास के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं, और यही बात तो लेकर के जाना है आप कार्यकर्ताओं को। लोग पूछेंगे कि भाजपा को क्यों वोट देना है, और फिर बताइए भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुशासन की पक्षधर है, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को न्याय मिल सके, हर व्यक्ति की सुनवाई हो सके,
और करप्शन और क्राइम के मुद्दे पर सरकार कोई भी किसी भी प्रकार की टॉलरेंस न करने की नीति पर कार्य कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया जाना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, इस अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, इस अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत सारे हो गए भैया, बैठ जाओ। उनको धन्यवाद दो, बेचारा नारा तो लगा रहा है। मैं देख रहा था, उस सैजनवा में भी नारा लगा रहा था। बहुत देर से बेचारा नारा लगा रहा है, अब कुछ देर कल गोरखपुर कलम में भी नारा लगा रहा था। इसलिए एक दायित्व आपके ऊपर है, आपके लिए विकास की योजनाओं को ले जाना, केंद्र और प्रदेश की गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना, और साथ ही साथ स्वयं शिवेंद्र दत्त शुक्ल के रूप में, उनके प्रतिनिधि के रूप में एक एक मतदाता के पास जाकर के उनके संदेश को पहुंचा करके अधिक से अधिक लोग मतदान करें, मतदान की पूरी शुचिता बनी रहे, पूरी पवित्रता बनी रहे, अधिक से अधिक लोग मतदान करें, समय पहले मतदान के दिन जाकर के मतदान करें, फिर उसके बाद अपने अन्य कार्यों को संपादित करें, इस बात की अपील। और जो बूथ टीम है 15 से 20 कार्यकर्ताओं की, वह टीम अगर बूथ स्तर पर घूम सके, क्योंकि चुनाव में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे प्रकार की बातें करेंगे, लुभावने नारे देंगे। जब उनकी सरकारी थी तब कुछ करते नहीं थे, तब विकास को रोड़ा लगाते थे। आज गोरखपुर में एम्स बन रहा है, लेकिन एम्स में सबसे बड़ी बाधा कोई थी तो समाजवादी पार्टी थी, कोई और नहीं था। एम्स के मुद्दे पर कांग्रेस 10 वर्षों तक केंद्र में शासन की, लेकिन गोरखपुर में एम्स बने इसके बारे में कभी कोई भी बात एक भी बार गलती से उन्होंने इसकी तरफ सोचा तक नहीं था। लेकिन मोदी जी आए, गोरखपुर में एम्स का शिलान्यास भी हुआ, एम्स का कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। फर्टिलाइजर कारखाना कांग्रेस के समय बंद हुआ था, लेकिन मोदी जी के समय उसका शिलान्यास हुआ, कार्य प्रारंभ हो रहा है। ये मुद्दा बनना चाहिए। गोरखपुर में पहले बिजली नहीं मिलती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बिजली नहीं थी, तब गोरखपुर में 2-4 घंटे बिजली आ जाए तो लोग मानते थे कि वाह बिजली आ गई आज। लेकिन आज गोरखपुर में 22 से लेकर 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हो रही है, इसलिए क्योंकि भाजपा की सरकार है। और ये केवल गोरखपुर ही नहीं, जो एक कार्यकर्ता मऊ का चिता रहा है, इसलिए क्योंकि वहां भी बिजली है, वहां भी सड़क बन रही है, वहां भी न्याय मिल रहा है, हर व्यक्ति सुरक्षित है, इसलिए उस अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आप सबसे मेरी अपील होगी, जैसे मेरे चुनाव में आप सब लोग लगते थे, खोराबार ब्लॉक में प्रखर समाजवादी नेता श्री लालजी सिंह के नेतृत्व में श्री होसला सिंह, सुरेश तिवारी, सभी लोग मिलकर के पूरे चुनाव प्रबंधन को संभालते थे। एक बार पुनः आप सभी कार्यकर्ता, जितने कार्यकर्ता हैं, सभी लोग लगे और लग करके उसी तन्मयता के साथ, उसी स्फूर्ति के साथ पिपरौली ब्लॉक में राही सिंह भी बहुत मस्त मेहनत करते हैं और प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं वहां के, जब से प्रधान बने तब से उनका मिलना जुलना कम हो गया है, क्योंकि प्रधान के पास पैसा आ गया है, हम लोगों ने प्रधानों को पैसा खर्च करने के लिए पूरी अनुमति भी दी है और पूरी अनुमति हम दे रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि राही सिंह के नेतृत्व में वहां के कार्यकर्ता, चौबे जी हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, भागीरथी निषाद हैं, ये सभी कार्यकर्ता वहां पर लग करके छोटेलाल मौर्या हैं,
सभी कार्यकर्ता लग करके पिपरौली ब्लॉक को भी मजबूती के साथ वहां पर कार्य प्रारंभ करें, विकास जो हुआ उसका प्रचार प्रसार करें। उपेंद्र शुक्ला बन करके एक एक मतदाता के पास जाकर के और 11 मार्च को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर भारी मतों से चुनाव जिताने की आप सबसे अपील करने के लिए मैं विशेष रूप से आया हूं। ये दायित्व आप सबको निभाना पड़ेगा। विकास हम कराएंगे और आप सबको विकास के अभियान को आम जन तक पहुंचाने के लिए मजबूती से खड़ा होना होगा। आज के इस अवसर पर जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन अतिथियों ने आज भाजपा ज्वाइन की है, उन सब का भी मैं स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के इस राष्ट्रवादी अभियान को और मजबूती प्रदान करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। श्री श्री रविशंकर का आध्यात्मिक शिविर गोरखपुर के सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में किया गया। श्री श्री रविशंकर की गरिमामयी उपस्थिति में लोगों ने आध्यात्मिक संध्या का रस लिया। श्री रविशंकर के आते ही लोग उनके स्वागत में अपने दोनों हाथों को उठाए उनके अभिनंदन के लिए बेताब नजर आए। अपने उद्बोधन में श्री रविशंकर ने कहा कि गोरक्षपीठ अपने आप में एक सिद्ध पीठ है और ये समस्त जनमानस के लिए योग का केंद्र है। गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद रखें, शरीर को ढीला छोड़ दें और जीवन की यात्रा के अंतिम पड़ाव में भी ओम ही ओम रहें। आज ऊर्जा ओम ही है। एक गहरी सांस लें,
कोने कोने को शुद्ध कर देगी। ओंकार का नाम ध्वनि, फिर एक गहरी सांस लीजिए। शरीर और मन में स्वीकार भी करते जाना। Thank you.
सत्ता अच्छा लगा, कितने लोगों को अच्छा लगा आपका गोरखपुर अनिता गोरखवाणी तो सुनते रहते हैं और हमेशा हम कहते हैं ध्यान के लिए गोरखवाणी को सामने रखते आपके लिए हट न गरीबा पढ़े न रही बा जो बात हट न गरीबा पढ़े न रही बा ध्यान का ये सूत्र है जीवन का भी यही सूत्र है धीरे दरिबा पाओ अब किन चरिबा धीरे दरिबा पाओ धीरे से रखना पाओ धरती में इसे धरती का हम भोज ना बने ऐसे ऐसे ज्ञान हमारे देश में भरा पड़ा है भारत के कोने कोने में अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान है चेतना है इस वजह गोरखनाथ जी का यहाँ जैसे स्थान है दक्षिण भारत में भी है द्वारका से लेके खमाके तक जहाँ जहाँ संत विचरते आए हैं ज्ञान बीज बोते आए वहाँ उम्र सुबह से यात्रा के वाराणसी से गोरखपुर आए अभी हाल ही में एक वैज्ञानिकों ने चित्र निकाला है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कहाँ है मुख्य पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कहाँ सबसे कम है वो दिखाया गया है कि भारत में वो भी दक्षिण भारत में क्यों ये जो ये मैप जो निकाला है उसमें वो ये कहते हैं जहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है पृथ्वी का वहाँ पर लोगों को डिप्रेशन कम होता है इतना होता नहीं है मन पर असर उसका ये होगा कि मन हल्का महसूस कर यही वैसे हुआ है और बुद्ध का भी यही जन्म हुआ पास में है ऐसा कि जो पवित्र धरती है इस धरती में एक नया लहर उठनी होगी उठना है वो अहिंसा का शांति का और सौहार्द का देखिए साधना ये व्यक्तिगत रूप से हम साधना करते हैं साधना से मन प्रफुल्लित होता है शरीर स्वस्थ हो जाता है जीवन में उत्साह बढ़ जाता है मगर इस उत्साह को क्या करोगे समाज में इसका विनियोग होनी चाहिए समाज के काम हम आ जाए समाज में हमें सेवा का प्रकल्प सबको लेना जरूरी है और सेवा प्रकल्प में ये है कि हम अपना जमीन को बचाएं जहरीली चीजों से रसायन मुक्त खेती पर हम जोर दें यहाँ का जलवायु प्रदूषित ना हो इस पर हम लोग ध्यान दें और एक और मुद्दा यह भी कह रहे कि दहेज ना लेना है ना देना है यहाँ जितने युवा बैठे हैं आप प्रतिज्ञा करो संकल्प करो कि माता पिता चाहते हुए भी हम नहीं करेंगे वो बात भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल के पक्ष में कई चुनावी सभा संबोधित करने गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये उपचुनाव चुनौती नहीं चुनाव है 2019 के सभी सीटों को भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी प्रदेश के लोकसभा उपचुनाव की दोनों सीटें जीतेगी मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा
चुनौती नहीं, ये चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी आने दो भाई, क्यों उनको रोक रहे हो, क्यों रोक देते हो यार? आने दो भाई। चुनौती नहीं, चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी विकास और सुशासन के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में आई है। दो उपचुनाव है, दोनों भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और सहयोग उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और लगातार जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्र सरकार का समर्थन और सहयोग मिला है, उत्तर प्रदेश में गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं से संबंधित योजनाओं को हम तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। इन्वेस्टर्स समिट की सफलता, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना को आगे बढ़ाने की कार्य योजना और विकास के इस अभियान को द्रुत गति से आगे बढ़ा करके जो अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया है, आम जनमानस उसके साथ जुड़ी है। और मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी दोनों उपचुनाव को जीतेगी और 2019 के जनरल इलेक्शन में 70% सीटों पर विजय प्राप्त करके एक बार पुनः यूपी अपनी ताकत का एहसास कराएगा। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, दोनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोकसभा संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव 11 मार्च को 100% मतदान कराने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत इंदिरा बाल विहार के पास चेतना तिराहे पर सेल्फी पॉइंट तैयार किया गया है, जहां कोई भी व्यक्ति आकर मतदाता जागरूकता अभियान में शामिल होकर फोटो खिंचवा सकता है। इसका शुभारंभ सीआरओ बलराम सिंह ने किया। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र और अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने गीत प्रस्तुत करके मतदाताओं को जागरूक किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अश्विनी मिश्र, फूलचंद्र एवं नागरिक छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीआरओ बलराम सिंह और उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अश्विनी मिश्रा ने कहा, जगाएंगे हम बदलेंगे जमाने, हमने अपनी दिशाएं बदली है, हमने अपनी दिशाएं मंजिल नई तय करके दिखाए, मंजिल करके दिखाए, अरे जंगल सुमन खिलाएंगे हम बदलेंगे जमाना, धरे धरे सदाएंगे हम बदलेंगे जमाना, सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो, वोट दो भैलोट दो सारे काम छोड़ दो, धरे हम बदलेंगे जमाना, अंतर्गत जिला प्रशासन और नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज हम लोग सेल्फी पॉइंट यहाँ पे बनाए हैं, सेल्फी पॉइंट बना के हम लोग चाह रहे हैं कि लोग आगे यहाँ पे सेल्फी खींचें और जिससे हम जागरूकता फैले और 11 मार्च को जो चुनाव होने वाला है उसमें सभी लोग अपना 70% मतदान में भाग लें। और ये गोरखपुर जनपद का जो 64 गोरखपुर का निर्वाचन होने वाला है, इसमें सबकी सहभागिता हो, सभी लोग मिलजुल कर मतदान में सहयोग प्रदान करें। तो इस क्रम के जो हमारे सीआरओ साहब हैं, ये इसके नोडल अधिकारी हैं सीट के, और लगभग 10 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। फिर
फिर कल हम लोग जन जागरूकता गीत के माध्यम से जन जागरूकता फैलाएंगे। 5 तारीख को एक नौका दौड़ होगी और 6 तारीख को रन फॉर वोट का आयोजन किया जा रहा है। तो लगभग पूरे जनपद में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर मतदाता तक हम पहुँचें और उसकी सहभागिता हम सुनिश्चित करावें। यही जिला प्रशासन जिलाधिकारी श्री राजीव रौतेला जी और क्षेत्र के प्रभारी श्री बलराम जी अपर जिलाधिकारी का उद्देश्य है और हमें उम्मीद है कि हम लोग अपने उद्देश्य में कामयाब होंगे और गोरखपुर निर्वाचन में सभी मतदाता अपने मताधिकार के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। के अंतर्गत हम लोग मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं, उसी क्रम में आज जो है यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया है कि सभी मतदाता जागरूक हों और सत सत्य आगे आने वाले 11 मार्च को मतदान करें। 11 मार्च को होने वाले गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारियों की ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी दी गई। ट्रेनिंग ले रहे कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनरों ने ईवीएम और वीवीपैट की बारीकियों की जानकारी दी, जिससे मतदान के दौरान कोई भी दिक्कत उन्हें ना उठानी पड़े। इस दौरान परियोजना निदेशक यशवंत सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर मौजूद रहे। तो ये सावधानियां हैं और इस तरीके से ये पेपर सीलिंग आपके कंप्लीट हो जाएगी और ये पेपर सीलिंग इसी के साथ आपको इस कंपार्टमेंट में जो ये मिलती है जिससे आपने सब पर्ची आपका एक्चुअल मतदान वास्तविक मतदान प्रारंभ हो, तो ये तरीका इसका। अब आपको हम कनेक्शन समझाते हैं, ये दोनों उसी के इस्तेमाल का है, तो जाहिर है इसकी केबल काफी लंबी है तो आप इसको ऐसे ही मोड़े रहने दीजिएगा, ये थोड़ा सा रिलीज कर लीजिएगा और इसको ये पैकेट बना करके वहीं पर सुविधा पेपर कैसे रख दीजिए। और इसके साइड में ये आपका अकाउंट VVPAT, तो सपोज मतदाता इधर से आ रहा है, इसको प्रैक्टिकली समझिए, ये मतदाता आया तो यहाँ वोट का। उसके बाद हमने बताया कि जो ये PU का प्लग है कहाँ जाएगा, नहीं जिसको मालूम हो लिख ले, PU की केबल VVPAT में अब कहाँ जाएगा, इसमें जगह कहाँ है भाई। अब इसके पीछे जब ये बीच वाला कंपार्टमेंट खोलेंगे इसमें देखिए साकेट लगे, नीचे वाले कंपार्टमेंट में बैटरी का पावर पाइप लगा होता है, ये लाल वाला है देखिए तो लाल वाले में जाएगा, उसमें लिखा हुआ है VU इंटरफेस VU वाले मिलेगा, इसको ऐसा देखिए इसको लगाने का तरीका, लगाते समय बगल के ऐसे सिपिनियों को दबाना जरूरी नहीं आपको, ये गलत आइडिया है। जहां भी कोई चीज बंद करनी है लगानी है खाली उसको सही पोजिशन में करके पुश कर दीजिए उलट, तो ये देखिए ये ऐसे आप देख रहे और ऐसे पुश किया फुटफुट की आवाज है लग गई, ये देखिए ये कमाल है, ये इसमें लग गया। और मैंने बताया था कि इसके साइड से केबल निकलेगी, देखिए निकल रही है ना, ये कहाँ जाएगी, हाँ मैंने बोला था वही चीज, ये कंट्रोल देखिए, ये भी लाल और काला, बैलेट वाला भी लाल काला और जो कंट्रोल यूनिट में लगेगा वो लाल काला, तो कंट्रोल यूनिट वाली केबल कहाँ से आ रही है, VVPAT से आ रही है, इसमें पीछे ले जाकर के जैसे आप पहले जोड़ते थे वैसे जोड़ दीजिएगा इसको, चंद्रकांति देवी आर्य महिला PG कॉलेज में मानवाधिकार पाठ्यक्रम के अंतर्गत युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय राजनीति विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनीता पाठक, विधि विभाग के पूर्व आचार्य डॉक्टर देवेंद्र नाथ मिश्र, गोरखपुर व्यापार कर विभाग के सहायक आयुक्त अमित सिंह, महाविद्यालय के प्राचार्य अर्पणा मिश्रा, शालिनी श्रीवास्तव डॉक्टर सुमन सिंह सहित कई अन्य शिक्षक और छात्राएं मौजूद रहीं।
प्रायोजित युवा संसद की बहस देश में विविध गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि भारतीय संविधान में एक शालीन और बौद्धिक विचारों से परिपूर्ण संसद की परिकल्पना की गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे संसद का वर्तमान जो स्वरूप दिखता है वो बहुत ही विकृत सा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, जैसे माँ अपने अंश का सब कुछ दे करके, मैं एक बच्चों का डॉक्टर हूँ इसलिए माँ नहीं देती, तो यही एक दायित्व तो शिक्षक का होता है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे जमाने में हम लोगों को उन लोगों ने पढ़ाया जो इस आदर्श शिक्षक के दायित्व का निर्वहन करते थे। आज नहीं करते ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने जमाने के अनुभव के बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे कुम्हार गढ़ता, ये कहना गलत होगा कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि वही अकेले मानते हैं। किताबें हमें सिखाती हैं, सब कुछ नहीं सिखाती। किताबें उस ज्ञान को प्रयोग करने की विधा नहीं सिखाती, ज्ञान तो दे देती है, उस ज्ञान का जीवन में उपयोग कैसे किया जाए, किन परिस्थितियों में कहां से कौन से ज्ञान के हिस्से का हमें उपयोग करना है, कितना करना है कितना नहीं करना है, कब अपना ज्ञान दिखाना है और कब नहीं भी दिखाना है। जैसे एक गुरुकुल से चार बच्चे निकले तो चारों गुरुजी की शिक्षा प्राप्त करके आए थे, वो रास्ते में जा रहे थे तो कुछ हड्डियां पड़ी थी, किसी का फोन बज रहा होगा, तो एक को ये ज्ञान था कि उन हड्डियों को पहचान करके बता सकता था कि किसकी हड्डियां हैं, उसने तुरंत कहा ये शेर की हड्डियां हैं, मैं इन्हें ठीक से लगा सकता हूं। दूसरे को जो शिक्षा मिली थी उसको ये मालूम था कि मैं इसमें मांस सज्जा वासिकाएं सब बना सकता हूँ, उसने कहा मैं इसमें मांस वो सब भर सकता हूँ, ये हड्डी मात्र कंकाल नहीं रहेगा बल्कि पूरा सिर दिखेगा। मंगलवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग में एक दिवसीय किसान जागरूकता कार्यशाला में किसानों को वर्मी कंपोस्ट और जैविक कीटनाशकों के उत्पादन और उनके प्रयोग के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के प्रोफेसर आदर्श पाल विंग ने मंडल से आए सभी किसानों को वर्मी कंपोस्ट और जैविक कीटनाशकों के उत्पादन और प्रयोग के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया। एक दिवसीय कार्यशाला में आए अतिथियों का स्वागत आयोजन एवं सचिव के डॉक्टर केशव सिंह ने किया। इस कार्यशाला में प्रोफेसर डीके सिंह, प्रोफेसर अजय सिंह, प्रोफेसर सीपीएम मणि त्रिपाठी, प्रोफेसर बी ए अंसारी, डॉक्टर वी एच पाठक, डॉक्टर एस के तिवारी, डॉक्टर एस के श्रीवास्तव सहित मंडल से आए किसान, महिलाएं और छात्र छात्राएं मौजूद रहें। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आयोजन एवं सचिव दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राणी विभाग के डॉक्टर केशव सिंह ने कहा, आपको मिलेगा वो रहना चाहिए क्योंकि ये पानी के द्वारा जब किसी शरीर में पानी लेता है तब वो ऑक्सीजन लेता है और ये काम करता है, समझ, तो इसीलिए पानी जरूरी है। उसका दूसरा पॉइंट है कि पानी ज्यादा डाल दिया तो उसका सांस बंद हो जाएगा, तो बुरा नहीं चाहिए पानी में, आई समझ। कई बार हम जहाँ लगा के आते हैं कि ठीक है शुरू कर लो, सुबह दूसरा पानी आया उसने पाइप से पानी छोड़ दिया, पाइप से पानी नहीं जोड़ना, पानी को छिड़काव करना है, छिड़काव भी पूरी अधिक मात्रा में जिससे इसकी स्किन हमेशा गीली रहे, सूखे ना। गर्मी में दो बार कर सकते हैं, तीन बार कर सकते हैं, सर्दियों में एक आध बार कर सकते, इससे वो सांस लेता है और वो ना। तो वो जब तक चलता रहेगा फिर वो केंचुए एक बार डालते रहे हैं, फिर आपने वेस्ट उसमें डालते रहना है और 30 दिन बाद लगभग उसको थोड़ा हिलाते रहना है, हिलाना क्यों, पानी से साथ लेता है, पानी से ऑक्सीजन पर उसको थोड़ी सी हवा और चाहिए, उसको पलटी बार ये नहीं है हाथ जैसे उसको रगड़ना नहीं है, पलटी मारने से उसका हवा का मात्रा में उसमें मिल जाए, वो भी 2-3 दिन बाद, तो जरूरी लोड
और क्योंकि वातावरण हवादार होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, रोज पानी डालोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसको बाद में जब निकालना तो पानी थोड़ा डालना, ये बंद करना है। इस तरह की ये तीन चीजें, इसके शरीर की बनकर कैसी है, एक तो मैंने बता दिया सात है, ये ऊपर रेजिस्टिंग हो नहीं, इसकी भोजन प्रणाली क्या है। जैसे आप गांव में चक्की लगाते हैं, आप दाने तो खा नहीं सकते सीधे, अनाज सीधा खा सकते हैं, थोड़ा सा रोटी नहीं बन सकती ना, रोटी के लिए क्या बनना उसका आटा बनना, तो आटा कौन बनाएगा चक्की। तो इसको मैं ये चक्की बोलता हूँ, जो शरीर के अंदर है, गाय का गोबर भी खाद है, गाय के अंदर भी चक्की है, हर प्रकृति के हर मानव पशु के अंदर चक्की है जो खाता है, और वो जो बाहर निकालता है वो गोबर है, खाद है, सब कुछ है, ह्यूमंस का भी, व्यक्तियों का भी। और दुनिया का सबसे अच्छा खाद किसका है, इसको केंचुए की पॉटी बोल सकते हैं, इसको वर्मी कास्ट बोल सकते हैं, ब्लैक होल बोल सकते हैं। गुरु गोरखपुर के प्राणी विज्ञान विभाग द्वारा ये चतुर्थ एक दिवसीय किसान जागरूकता कार्यक्रम वर्मी कंपोस्ट एवं जैविक खाद के उत्पादन एवं प्रयोग विषय किसानों को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है, क्योंकि हमारे विभाग द्वारा वर्मी कंपोस्टिंग पर बहुत सारा काम किया गया है, और पीछे भी जो है पिछले दिनों में भी किसानों को हम वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन एवं प्रयोग विषय पर बहुत सी चीज़ें सिखाते रहे हैं। और इस कार्यक्रम में कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर और अंत बिहार के पश्चिमी पार्ट से भी, पश्चिमी भाग से भी लोग, बहुत सारे किसान इसमें आए हुए हैं, और नेपाल से भी कुछ लोग आए हुए हैं जो यहाँ वर्मी कंपोस्टिंग की जानकारी ले रहे हैं, हम सबको अवेयर कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रोफेसर आदर्श पाल बिग, जो गुरु नानक देव अमृतसर यूनिवर्सिटी से हैं, पंजाब से आए हुए हैं, और वह विषय विशेषज्ञ भी हैं, उनका भी वर्मी कंपोस्टिंग पर बहुत सारा काम है, वो लोगों को यहाँ पर उसके तकनीकी ज्ञान को दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में श्री अनिल सिंह, कोऑर्डिनेटर भूमि सुधार निगम आजमगढ़ से भी आए हुए हैं विषय विशेषज्ञ के रूप में, वह भी लोगों को इसके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के संदर्भ में जैविक खाद का क्या रोल है, और हम अब लोगों से यह निवेदन करने चल रहे हैं कि दो कदम जैविक खेती की तरफ लोग बढ़ाएं, जिससे कि एक जागरूकता आए और हमारे खाद्यान्नों का सुधार हो, और जिससे मानव स्वास्थ्य, वातावरण और भूमि को भी उर्वरा बनाया जा सके। हम एक अभियान के रूप में इसको हम ले आना चाहते हैं, और हमारा विभाग एक अभियान के रूप में इस कार्यक्रम को चला करके लोगों को इसके बारे में अवेयर करने के लिए कटिबद्ध है, और हम चाहेंगे कि लोग इसमें अपना सहभागिता दें और इसको सीखें, समाज के लिए बेहतर होगा। यह हमारे उन युवाओं के लिए एक स्वरोजगार भी होगा, जो केचुआ पाल करके, केचुआ खाद तैयार करके और मार्केट में उसको बेच करके बढ़िया पैसा कमाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, या उस वर्मी कंपोस्ट को अपने खेत में पैदा करेंगे तो उनका पैसा बचेगा और हमारे खाद्यान्न भी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। इसमें एक सिद्धांत है कि स्वस्थ भोजन, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मानव, स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश और विकसित देश का निर्माण होगा। मंगलवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ भवन में विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के नेतृत्व में रंगारंग होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रंगारंग कार्यक्रम के सभी कर्मचारी एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी और कार्यक्रम में होली के गानों पर झूम कर नाचे। इस मौके पर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र नाथ सिंह, महामंत्री सुधा विश्वबंधु, उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव, हरेंद्र सिंह, वीर बली प्रसाद, अरुण कुमार श्रीवास्तव, राजेश कुमार श्रीवास्तव, पवन श्रीवास्तव सहित विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारीगण मौजूद रहे। Bye.
संसदीय क्षेत्र प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय रजिस्टर की जांच और निरीक्षण जिला पंचायत सभागार में 28 फरवरी और 5 और 9 मार्च को होगा, जिसमें व्यय प्रेक्षक भी मौजूद होंगे। यह जानकारी व्यय के नोडल अधिकारी मुख्य कोषाधिकारी एनकेडी द्विवेदी ने दी। उन्होंने सभी प्रत्याशियों से अपेक्षा की है कि प्रत्याशी स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट को भेजकर व्यय रजिस्टर की जाँच करा लें। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर आज गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत गोरक्ष पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ के साथ श्री श्री रविशंकर ने गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की और दिवंगत महंत अवैधनाथ की समाधि पर जाकर उनका दर्शन भी किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मंदिर के परिसर को पूरी तरह से श्री श्री रविशंकर को घुमाया। तत्पश्चात महंत योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के जीवन पर आधारित पुस्तक महंत अवैधनाथ उन्हें भेंट किया, जिस पर श्री श्री ने महंत योगी आदित्यनाथ का माल्यार्पण और प्रसाद देकर स्वागत किया। इसके बाद दोनों लोग बैठक कक्ष में चले गए, जहां पर श्री श्री के योगी के साथ लगभग एक घंटे की मीटिंग हुई। उसके बाद श्री श्री रविशंकर अनुग्रह समारोह में शामिल होने के लिए सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम चले गए। रंगों के त्यौहार को होली के करीब आते ही लोगों पर होली का रंग चढ़ने लगा है। मंगलवार को विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने जमकर एक दूसरे के साथ होली का रंग गुलाल लगाया और खूब मौज मस्ती की, साथ ही होली की मुबारकबाद भी दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र छात्राओं ने कहा, और आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, दूसरे को लगाओ, दूसरे को। होली की त्योहार हम लोग बड़ी सादगी और से मना रहे हैं, इसमें कोई अभी अभद्रता नहीं है और हम लोग शुद्ध तरह से होली मना रहे हैं, ना कोई गंदी गाली दे रहा है, एकदम अबीर पोत कर एक दूसरे को गले मिला रहे हैं और पुरानी जो भी झगड़े हैं उसको भूल कर हम आपस में भाईचारों का समाज संदेश दे रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम विनय कुमार यादव। की होली का जो त्यौहार है वो आपसी भाईचारे का त्यौहार है और उसी संदेश को समाज में आगे ले जाते हुए हम लोग भाईचारे का संदेश समाज में दे रहे हैं। एक दूसरे से गले मिलकर, एक दूसरे के ऊपर अबीर गुलाल लगाकर हम लोग यहाँ पर भाईचारे का संदेश दे रहे हैं और किसी भी प्रकार की अभद्रता न करते हुए पूरे विश्वविद्यालय में जितने भी कर्मचारी, शिक्षक और छात्र छात्राएं हैं उनके साथ हम लोगों ने होली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया। होली एकता का त्यौहार है, जिस तरह बहुत सारे रंग मिल के हम एक रंग में रंग देते हैं, उसी तरह हम सब अनेक लोग एक रंग मिलते, वो रंग प्रेम का है, सौहार्द का है, शांति का है और हम सभी का एक ही संदेश है कि सब जैसे हमसे हमारे पास जो आएगा हमें ही मिल जाएगा। तो बड़ा हृदय करके सभी को होली पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी का इस होली पर अभिनंदन वंदन और सबके माथे पे चंदन है। हैप्पी होली।
विवेक किया और हम जानते हैं कि यहाँ पे इस समय हमें ना कोई जात पात किसी चीज का ना कोई भेदभाव है, हम जो चाहें जैसे चाहें मतलब एक तरह से हम मिलजुल के इस त्यौहार को मनाते हैं। और आज भी हमने यही किया, हम नहीं जानते थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिससे हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन हमने फिर भी सिर्फ त्यौहार और एक साथ ऐसा लगा कि दोस्त हैं, तो हाँ सबको ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए, भेदभाव भूल जाना चाहिए, वेरी हैप्पी होली। मंगलवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडल स्तरीय ट्रायल के अंतिम दिन गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज से क्रिकेट के लिए 43, एथलीट के लिए 21, जूडो के लिए 4 और मुक्केबाजी के लिए 7 खिलाड़ियों ने ट्रायल में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिलाड़ियों के अभिभावक उत्सुकतापूर्वक अपने बच्चों के ट्रायल देखते नजर आए। क्रिकेट के कोच अजय, हैंडबॉल के कोच नफीस अहमद, एथलीट के कोच अशोक शाही, जूडो के कोच कमलेश, बास्केट के कोच विवेक श्रीवास्तव ने सभी खिलाड़ियों के संयुक्त रूप से 100 मीटर दौड़, 6x10 शटल, स्टैंडिंग ब्रांड जंप, मेडिसिन बॉल थ्रो और 800 मीटर दौड़ में ट्रायल लिए। चलो आओ आप 2 मीटर एक 95 चल बेटा चल 2 मीटर नहीं 1.80 यानी 2 तक नहीं लिखा है। शर्म कर लो यार, शर्म कर लो, चलिए इसको भी चिन्हित कर दीजिए सबके सामने खड़ा कर, शर्म कर लो, अच्छी बात होगी 15 साल में ट्रायल दे रहे हो छात्रा को, ऐसा ही पता चल जाता है। 250 चिल्ला रहे मार रहे हैं, अरे पकड़ कौन है बेटा, बेटा लैंड कर, लैंड कर, धक्का मत मारना, चल 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 या तो के मैं ज्यादा बढ़ा के तुमको बता दूंगा। चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदर लोकसभा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ला के जीत की भरी हुंकार, कहा गोरखपुर के एम्स निर्माण में सपा और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी बाधक, बनने का किया था कार्य। श्री श्री रविशंकर पहुंचे गोरखपुर, आध्यात्मिक संध्या का हुआ आयोजन, जगाया आपसी सौहार्द का अलग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा यह चुनौती नहीं चुनाव है, उपचुनाव की दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगी भाजपा। चेतना तिराहे पर सेल्फी पॉइंट बनाकर मतदाताओं को किया जागरूक। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में पीठासीन और प्रथम मतदान अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। CIDPG में मानवाधिकार पाठ्यक्रम के तत्वावधान में युवा संसद कार्यक्रम का हुआ आयोजन, देश के गंभीर मुद्दे पर हुई चर्चा।
गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यशाला में किसानों को वर्मी कंपोस्ट और जैविक कीटनाशकों के उत्पादन और प्रयोग के बारे में दिए गए टिप्स। होली के पूर्व गोरखपुर विश्वविद्यालय कर्मचारी अबीर गुलाल से हुए सराबोर, मनाई रंगारंग होली। जिला पंचायत सभागार में 28 फरवरी और 5 व 9 मार्च को होगा प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय रजिस्टर की जांच। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर आज गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत गोरक्ष पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ ने किया। लोगों पर चढ़ा होली का रंग, एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर दी बधाइयां। और मंडल स्तरीय ट्रायल के अंतिम दिन 75 खिलाड़ियों ने दिखाया अपना दम। इस बुलेटिन में बस इतना ही, कल तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज़, न्यूज़ बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।